हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज बनाएंगे हरी मिर्च का अचार। जो थोड़ी सी बड़ी वाली मिर्च होती है उसी का बनाएंगे अचार, जो एकदम फटाफट खा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है खटाई को, जो सूखी आम की जो कली होती है, जो सूखी वाली खटाई होती है, इसको पानी में गला दिए हैं 2-3 घंटे के लिए, तो अच्छे से नरम हो जाएंगे। और लहसुन को भी हम गला दिए थे 2-3 घंटे के लिए, तो वो भी अच्छे से नरम होंगे, तो छिलका छिलते बनना। और ये है मिर्च, इसी का बनाएंगे अचार, जो एकदम फटाफट खा सकते हैं। जैसे फटाफट बनता है वैसे आप बिल्कुल बनाने के बाद खा सकते हैं इसको। ये देखिए कलियाँ जो है, खटाई जो है एकदम नरम हो गई है, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा धूप में रख दिए थे, तो बहुत जल्दी ही नरम हो गई है। तो इनको छोटे छोटे से पीस में काट लेंगे, और क्योंकि बहुत जल्दी अचार में ऐसे गल जाती हैं। और यहाँ पर जो है मिर्च उबल भी गई हैं, इनको जो है अलग निकाल लेंगे और पानी से बिल्कुल अलग कर देंगे, पानी इसमें नहीं जाना चाहिए। और फिर जो है कढ़ाई को गरम करेंगे, और इसमें जो है ये मसाले रोस्ट करेंगे। मसाले में है सौंफ, जीरा, कलौंजी, धनिया और सरसों। इनको जो है हल्का हल्का सही रोस्ट करेंगे इसमें, जब तक जो है खुशबू ना आने लगे तब तक रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो जल जाएंगे तो फिर टेस्ट ख़राब आएगा। और ये हो गए हैं रोस्ट, हो गए हैं, भुन गए हैं मसाले, तो इनको जो है तुरंत फटाफट दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और जब तक मसाले थोड़े से ठंडे हो रहे हैं तब तक जो है कढ़ाई चढ़ा दिए हैं फिर से, और उसमें डाली है तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें जो है जो हमने अभी लहसुन छीला था इतने ढेर सारे, वो में पका लेंगे। तो इनको जो है ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा जो है थोड़ा सा ब्राउन ही हो पाए, थोड़ा ब्राउन ही नहीं बस थोड़ा सा सुनहरे ही हो पाए, बस उतना ही भूनना है इनको। और ये मसाले ठंडे हो गए हैं, इनको भी सिल्क पर हम थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। अचार में वैसे ज़्यादा पीसा हुआ मसाला नहीं, थोड़ा सा दरदरा ही अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ऐसे। तो मसाले पीस लें और इनको जो है दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। और यहाँ पर देखिए लहसुन भी जो है लगभग हाफ पक ही गए हैं, पूरे तरीके से नहीं पकाना है। और इसमें जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काटे थे कटाई, तो उनको भी इसमें जो है थोड़ा तेल में पका लेंगे। और फिर जो है ये मिर्च ठंडी भी हो गई है, इनको भी जो छोटा सा गिलास है बस उसी से इनको थोड़ा सा मसल देंगे, ऐसे मसाला अच्छे से मिक्स हो जाता है तो अचार अच्छा भी लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है, और मसाला भी बहुत अच्छे से ऐसे मिक्स हो जाता है, मसाला भरने की झंझट नहीं होती है। और इनको भी अच्छे से जो है मिक्स कर देंगे, 2 मिनट तक इनको पकाएंगे ऐसे। और उसके बाद फिर जो हमने मसाला भून के पीसे थे उनको जो है इन मिक्स कर देंगे अचार में अच्छी तरह से। और इसके बाद जो है इसमें थोड़े से और मसाले जाएंगे, जैसे हल्दी, सूखी पीसी हल्दी है वो हमने डाला है, इसमें मिर्च भी डालेंगे क्योंकि ये मिर्च तीखी नहीं होती इतनी, इसलिए इसमें मिर्च तो डालना ही पड़ेगा। जैसे जितना आप तीखा खाते हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं। और नमक भी डाल दिए हैं, नमक थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा पड़ता है क्योंकि पड़ेगा इसमें विनेगर, तो जो है फिर नमक बराबर हो जाएगा बाद में। और सब सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर तक थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद जो है ये अचार रेडी हो गया है, इसको जो है निकाल रहे हैं क्योंकि हमारी मम्मी को सिरका वाला अचार बिल्कुल नहीं पसंद है, उनको खुशबू अच्छी नहीं लगती है, इसलिए उनके लिए हम अलग से निकाल लिए हैं और उसमें डाल दिए हैं विनेगर। ये घर का ही सिरका है गन्ने का, और ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी अचार से। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है, आप ना बिना भूख लगे ही 4-4 रोटी खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।